ओके सो आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च जो कि है रावत में, उसमें कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, उसमें कितना इनटेक होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, एवरेज पैकेज कितना जाता है, एंड कौन कौन से तुम लोगों को लैब्स यहाँ पे तुम लोगों को ये वाले कॉलेज में मिलेंगे, ये सब बातें ये वाली वीडियो में करेंगे। एज ऑलवेज नमस्ते भाई यूं की मैं हूँ आकपी एम व्लॉग्स, आइए कुछ नया देखते हैं। ओके सो कुछ बातें मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के बारे में, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में PCCOER. So this college is approved by AICTE से और गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड है। सेकेंड थिंग अफिलियेटेड टू SPPU, ठीक है। सो कॉलेज के बारे में कुछ बातें बता दूँ, मैंने नहीं क्या इसके ऊपर कैंपस टू व्लॉग भी बनाया जिसमें मैंने तुम लोगों को फ्लोर वाइज डिस्कस किया है कि भाई पहले फ्लोर पे कौन से इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथा पे कौन सा है, एंड कैंटीन कैसी दिखती है, ये सब मैंने तुम लोगों को एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है इसके ऊपर, अगर तुम लोगों को देखना है डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएंगी। सेकेंड थिंग, अगर तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया ये वीडियो देखने के बाद तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएंगे, तो जाके वो फिलआउट कर देना, तुमको मेरे तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट पे कॉल आ जाएगा एंड तुम लोग वहाँ पे कोई भी क्वेरी वहाँ पे तुम लोग पूछ सकते हो। एंड अब मैं तुम लोगों को फीस स्ट्रक्चर कोर्सेस वगैरह सब बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये जो कॉलेज है ना PCCOER बॉस, ये है रावत में और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ओके सो सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ हाईलाइट्स एंड अचीवमेंट्स बता देता हूँ PCCOER के बारे में, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो कि स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फैकल्टी तुम लोगों को हेल्प करती है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड लैबोरेटरीज है, मैं लैब वगैरह कौन कौन सी है वो भी बताऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम लोग इनका विजन एंड मिशन देख सकते हो, इनका विजन क्या है मिशन क्या है ये सब तुम लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं भाई कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है अपना सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं ENTC, ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कोर्स स्टार्ट कब हुआ था, 2014 में, सिर्फ ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो अभी अभी आया है 2 साल पहले 2022 में, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इंटेक्स कितने होते हैं, मतलब बच्चे लोग कितने लेते हैं, ठीक है, कॉलेज में, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में आएंगे 60 के इंटेक्स है और सबसे ज़्यादा अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इंटेक्स है। टोटल जो स्ट्रेंथ होगी पूरे कॉलेज की, मतलब जो इंजीनियरिंग में आते हैं 480 स्टूडेंट्स ये लोग रहेंगे, ठीक है। ओके सो अब अपन बॉस बात करते हैं भाई फीस कितनी लगेगी, यानी कि पैसा कितना लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फीस डिटेल्स मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ट्यूशन फीस यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए 99,565 रुपीज़, जो कि ये सब यूनिवर्सिटी फ़ी, ट्यूशन, स्टूडेंट एक्टिविटी, एडमिशन फॉर्म की फ़ी, जो भी सब मिला के तुम लोगों को पड़ता है 1,18,866 रुपीज, ठीक है। अगर तुम लोग ओपन में आते हो तो ये 1,18,866 है। ओके सो अगर तुम लोग OBC कैटेगरी वगैरह में आते हो तो तुम्हारी फीस हो जाती है 69,084 रुपीज ओनली, ठीक है। ओके सो अगर तुम लोग SC ST में हो तो भाई 4,366 रुपीज, ठीक है, और अगर JNK वगैरह के कैंडिडेट हो तो 28,860 रुपये, ठीक है। सो ये हो गई अपनी प्रॉपर पूरी फीस। अब तुम लोग बोलेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फीस क्या है और मैकेनिकल की फीस क्या है, सिविल की क्या फीस है, बहुत सबकी फीस सब सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम लोग ओपन कैटेगरी में आते हो 1,18,800 इतने तुम लोगों को रुपीज़ लगेंगे, कोई भी तुम फिर ब्रांच लो उसका, ठीक है, सबकी फीस सेम है। अगर तुम लोग सेकेंड ईयर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेना चाहते हो तो भाई टेंशन मत लो, गूगल फॉर्म फिल कर दो, तुमको उसमें भी अगर कोई क्वेरी होंगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोगों के अगर ओपन में आते हो तो 1,14,119 रुपये है तुम्हारी फीस टोटल, सब कुछ मिला के उसमें एग्ज़ाम की फीस, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी, यूनिवर्सिटी फ़ीस, सब कुछ मिला के 1,14,119 रुपये। अगर तुम लोग OBC में आते हो तो 64,000 हो गया, बहुत कम, और उससे भी कम SC ST अगर तुम लोग हो तो भाई तुम्हारी सबसे कम है भाई 4,000 रुपये, ठीक है। अगर तुम लोग SBC में आते हो तो 15,200 रुपये, ठीक है, ये सब सेकेंड ईयर डायरेक्ट सेकेंड ईयर की फीस बता दी। ओके सो अब अपन बात करते हैं भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम लोगों को लगेंगे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पे आता है अपना DTE अलॉटमेंट लेटर, फिर आता है सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म, फिर CET और JEE का स्कोर कार्ड,
फिर 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा वगैरह है तो वो सब, डिग्री सर्टिफिकेट एंड ऑल, माइग्रेशन हो अगर कहीं बाहर से आ रहे हो तो वो, फिर लिविंग सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर तुम लोग कहीं ऐसा आ रहे हो तो ये तुमको लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, फिर ये सब तुम लोग देख सकते हो, अगर गैप सर्टिफिकेट है तो वो भी, ठीक है, फिर इनकम सर्टिफिकेट, जेरोक्स, तो ये सब तुम लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर तुम लोगों को ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक मिल जाएंगे, तुम डायरेक्टली डाउनलोड करके तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, तुम लोगों को इंडियन नेशनलिटी की ये चाहिए, ठीक है, तुम लोग इंडियन होने चाहिए, ठीक है। फिर HSC यानी कि 12th में तुम लोगों को फिजिक्स एंड मैथ्स तुम लोगों का कंपलसरी होना चाहिए, उसके साथ में कुछ भी रहा तो चलता है, यानी कि केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल ये सब जो भी होता है। मिनिमम 45% तुम लोगों को 12th में लगेंगे, ठीक है, और यहाँ पे तुम लोग पढ़ सकते हो। इसका भी अगर तुम लोगों को लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में, एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये वाली PDF तुम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ है नहीं इधर बताने के लिए, तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। प्लेसमेंट्स वगैरह बताने से पहले अगर तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो भाई टेंशन नहीं लेने का, बीड़ू अपन है, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, जाओ भर दो, तुम लोगों को कॉल आ जाएगा। एंड मैं भाई कितनी बार बोलूँ ये चीज़, लेकिन मेरे को बताना पड़ता है बिकॉज बहुत नए नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं तो उनको पता रहना चाहिए कि भाई क्या करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो गूगल फॉर्म भर दो, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगी, तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल आ जाएगा भाई, और क्या चाहिए, है कि नहीं। ओके बॉस, अब अपन बात करते हैं भाई यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीन है, कौन कौन सी कंपनीज आती है, कितना पैसा देती है, साल का कितना पैकेज देती है तुम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे अमेजोन आती है, फिर भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, Adobe है, HSBC है, Flipkart है, फिर LTI है ना, तुम लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो उसके सामने लिखा है भाई सैलरी कितना देती है, ठीक है, एवरेज है, और कुछ कुछ है IAS भी है, ठीक है। तो Amazon सबसे ज़्यादा देती है, 28 लाख का पैकेज है भाई, और जो कि है भाई PCCO ही है तो तुम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्यूमिन्स है, फिर KPIT है ना, Volkswagen है, गोदरेज है, सैमसंग है R&D वाली, तो तुम लोगों को यहाँ पे ये सब कंपनीज मिल जाएगी, ठीक है भाई। अब मैं तुम लोगों को बता दूँ भाई पिछले साल कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, कितनों को 7 लाख के ऊपर मिला, कितनों को 7 लाख के नीचे मिला पैकेज, ये सब अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो अपन रिसेंटली देखेंगे 2021 से 22 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल तुम लोगों को 454 तुम लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑफर किए थे, ठीक है। 7 लाख के अबव जिसका गया था वो है 82 स्टूडेंट्स, ठीक है। 5 से 7 लाख के बीच में जो थे वो 97 स्टूडेंट्स थे, और उससे कम यानी कि 3.5 से 5 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे हाँ एवरेज तुम लोग पकड़ के चल सकते हो, 4 से 5 लाख तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोगों के स्किल्स वगैरह अच्छे तो भाई तुम लोगों को आराम से 5, 6, 7 भी मिल सकता है, और कुछ कुछ का लक रहा तो भाई 7, 8, 10 ऐसे भी जाते हैं। और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो 3.5 लाख के नीचे 19 लोग का है, और भाई अब पता नहीं क्यों इन्हें पढ़ाई नहीं की या उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, पता नहीं। लेकिन मैं एक तुम लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा भाई, तुम लोग ने क्या थोड़े से स्कोरिंग पे थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। तुम्हारा जो CGPA ये जो आता है रिजल्ट, 8 pointer, 9 pointer ऐसे लाने की कोशिश करना, क्योंकि कंपनीज पहले ही छाट लेते कि भाई 7 के ऊपर जो जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाओ बॉस इंटरव्यू देने, ऐसा सिंपल होता है, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज में होता है, कुछ कुछ कॉलेज में नहीं होता है, तो ये मैं तुम लोगों को एक अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सो अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ भाई लिस्ट ऑफ प्लेसमेंट में, मतलब कौन से स्टूडेंट को कौन सी कंपनी उठाया, उसको कितना पैकेज दिया, ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे तुम लोग स्टूडेंट ने किए, लेफ्ट वाले साइड में तुम लोगों को स्टूडेंट्स के नाम मिलेंगे, बीच में तुम लोगों को कौन सी इंजीनियरिंग की उनने, वो कौन सी कंपनी आई थी, कौन सी ऑफर किया है उनको, वो लिखा है कंपनी का नाम है, और फिर कितना पैकेज मिला उनको। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 11.4 यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं चिन्मय को मिला है, ठीक है। और भी अपन थोड़ा नीचे चलते हैं तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना, मतलब एवरेज अगर बताओ तो भाई 4-5 लाख मिल जाएगा अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं। अगर तुम लोग के ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो भाई टेंशन मत लो, तुम गिव अप मत करो, कोशिश करते तो भाई तुमको अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएगा। अगर तुम लोगों को कुछ भी क्वेरी रही ना भाई, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को गूगल फॉर्म मिल जाएगा भाई, जाके देख लो एंड फॉर्म फिल कर दो। अब यहाँ पे नहीं क्या बॉस, कैंपस रिक्रूटमेंट के थोड़े से ड्राइव्स होते हैं, यानी कि थोड़ा सा वर्कशॉप समझ लो या इवेंट समझ लो, तो तुम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत फोटोज़ वगैरह देख सकते हो, ठीक है।
एंड यहाँ पे तुम लोगों को ग्रुप डिस्कशन मिलता है फिर, और फिर कुछ एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। ओके सो ये PCCOER के बारे में तुम लोगों को मैंने बता दिया सब कुछ ऑलमोस्ट, ठीक है। मैंने तुम लोगों को फीस बता दी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी, प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी कंपनीज आती है वो बता दिया, फिर प्लेसमेंट्स कौन से बच्चों को कहाँ हुई है, कितने बच्चों को प्लेस हुआ है ये सब बता दिया, हाईएस्ट बता दिया, एवरेज बता दिया, पैकेज, ठीक है। अब क्या बचा है, अब बस इतना ही बचा है भाई। अगर तुम लोगों को अभी भी कुछ भी नहीं समझाना तो भाई डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएंगी बॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फायदा उठाओ इसका, है ना। सो ये वीडियो बस यहाँ तक के रखते, एंड करने से पहले अगर तुम लोगों ने कैंपस शूट नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, उसके ड्रोन शॉट्स भी है, ठीक है, तुम लोगों को कैसा दिखता है बाहर से वो भी पता चल जाएगा, एंड अंदर से कॉलेज कैसा दिखता है वो भी मैंने डिटेल में कवर किया है, तो जाके देखना, मस्ट वॉच वाला वीडियो है वो, ठीक है। सो एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस शेयर्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, बूम।